हमें तुम हमको कहीं भी कुएं में ढकेल देती, तुम हमको इतने बड़े परिवार में शादी कर डाली कि मेरा जीना ही मुश्किल हो गया है। मतलब ये लोग हमको जिंदगी भर दिन भर को यही बताते हैं कि तुम्हारा धरती पे होना ही बोझ है। मतलब मम्मी हम कितना भी कर ले, कितना भी, लोग कभी खुश ही नहीं हो सकते। अगर हम मेकअप करके बैठ गए मम्मी, तो ये लोग कहते हैं पक्का कहीं जा रही है। और देखो जरा कैसे मेकअप करती है मम्मी, तुमने ये क्यों नहीं बताया कि मेकअप सीखने कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, पढ़ने कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, जब ये सब आपको गवारी घोषित कर देंगे एक दिन आके। मेरी ननद रानी आएंगी तो मेकअप करवाने, बड़ी भाभी मेकअप कर दीजिए। और भाई साहब मेकअप करवाने के बाद इसके रूप रंग देखो तो इनको आता ही क्या है, इनसे तो हम ही करते। भाई तो क्यों आती हो बार बार करवाने, ये बताओ। और उसके बाद मम्मी आ जाके ऐसी आग लगाएगी अपनी मम्मी से। मम्मी भाभी जब देखो अपनी मम्मी से बात करती, बहन तू नहीं करेगी, देखूंगी मैं जिस दिन तू ससुराल चली गई उस दिन तेरा क्या होगा। मतलब तुम बार बार जब देखो फोन उठाती हो और दिन भर पता नहीं किससे बतियाती रहती हो, हम तो कुछ नहीं बोलते तुम्हें। उसके बाद वो तुमको सपोर्ट करती हैं, लेकिन हमारे घर ऐसा नहीं होता है ना कि हम तो बोलते हैं कि दीदी अच्छा ठीक है कोई बात, हम मतलब हम सॉरी बोलते हैं। हमें ये नहीं मालूम था कि शादी के बाद बड़े होकर छोटे बन जाना चाहिए, छोटे होकर वो बड़ी बन जाएंगी। मुझे नहीं मालूम था भाई साहब कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई इतने बड़े घर में आके। मुझे नहीं मालूम था यहाँ के लोग इतने जाहिल अनपढ़ हैं कि लोगों को कुछ समझते ही नहीं है अपने आगे, लोगों को छोड़ बहुत कुछ समझते ही नहीं अपने। और बिटिया इनकी राज दुलारी, और जो बड़ी वाली है जिनकी शादी हो गई है उनको जब देखो, मम्मी ये हो गया है, मम्मी आज ऐसा कहा। अरे भैया हम तो इतना कर रहे ना तो पता चल जाए तुम लोग को, पता नहीं तुम लोग कहाँ पहुँच जाओ।